आज डॉक्टर साहब, आज डॉक्टर अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर आप लोगों ने किस तरह का संकल्प लिया है? हमारे देश के वैज्ञानिक पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब की आज जयंती है। वो वैज्ञानिक होने के साथ साथ हम सबके प्रेरणा सूत्र थे। आज हम उनका 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। उन्होंने युवाओं को संदेश देने के लिए बहुत कुछ संकेतों में कहा है। उन्होंने कहा युवाओं को वो सपने देखना चाहिए, वो सपने नहीं जो रात में सोने में आते हों, युवाओं को वो सपने देखना चाहिए जो उन्हें सोने ना दें। यानी अगर आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो आपको सोने की जरूरत नहीं, हमेशा जागने की जरूरत है, तब आप लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। कलाम साहब ने कहा कि जब कोई व्यक्ति कार्य करता है तो बहुत बाधाएं आती हैं, बाधाएं आती हैं जिनके कारण वो परेशान होकर बीच में रुक जाता है। व्यक्ति को इतनी ऊंचाइयों पे चले जाना चाहिए, इतने इरादे बुलंद रखना चाहिए कि जैसे कोई पक्षी, कभी कभी उन्हें संदेह होता है कि तूफान आने वाला है, वो इतनी ऊंचाइयों पे चले जाते हैं जहां पे तूफान का असर नहीं होता है, तूफान निष्प्रभावी होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, वो डाल पाता है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में सदैव संघर्षशील रहना चाहिए, विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, कलाम साहब से सीख लेना चाहिए। कलाम साहब का जीवन, पूरा जीवन देश के लिए समर्पित था। उन्होंने जो देश को दिया वो आज तक कोई नहीं दे पाया। हम सब उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और खुशी भी मनाते हैं कि हमारे देश में ऐसे महान पुरुष हुए और हम लोगों को भी सौभाग्य का दिन मिला। माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के प्रयास से वो हमारे जनपद में आए, हम सब ने उन्हें बड़े निकट से देखा और समझा। इतना सरल व्यक्तित्व वाला कोई ना वैज्ञानिक हमारे बीच अभी तक हुआ है और ना इतना सरल व्यक्तित्व वाला कोई राष्ट्रपति हुआ है। हम एक बार आज के दिन उन्हें प्रणाम करते हैं और प्रेरणा लेते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चले। कलाम साहब, कलाम जी, कलाम साहब, कलाम जी, हमारे हैं।